सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। भांडुप के एस वार्ड में लोगों की समस्या लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सह सचिव व प्रभारी गुजरात राज्य के राकेश शेट्टी पहुंचे, जहां लोगों की परेशानी से उन्हें निजात दिलाने और उनके लिए अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए एस वार्ड के अधिकारियों को आड़े हाथ लिया है और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। आपको तो सपोर्ट करना पड़ेगा, मगर ये भी सपोर्ट सुन लीजिए। आपको मेरे तरफ से जो चीजें चाहिए वो मुझे दो बार सफाई चाहिए बस, ठीक है? अरे सर वो छोड़ दीजिए, तो उसका कोई रिलेशन नहीं। तो अभी आप बताओ सोनापुर का पॉपुलेशन बोलिए सर क्या होगा, एजुकेटेड लोग भी रस्ते पे डालते हैं। अभी ये लोग को सफाई चाहिए, अगर 50 लाखों को नहीं चाहिए तो क्या आप साफ नहीं करोगे? उनके बिना नहीं होगा ना। अरे होगा ना, ठीक है? आपने बोला दो बार सफाई चाहिए, दो बार कर लिया, तीसरे बार क्या बोल रहे हैं? आज से दो बार हो गया, चलो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी, पर्सनल जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी आज से दो बार आपको गाड़ी देना। आप मुझे टाइम बोलो, टाइम पे गाड़ी आएगा। एक मिनट टाइमिंग बताओ, और सर आपका गाड़ी आता है तो उधर का रेसिडेंट के पास एक रजिस्टर दो, वो लोग सही करेंगे, ये साफ की वेरी परफेक्ट, जैसा होटल के टॉयलेट में होता है। मतलब आके गए तो साइन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो क्या होगा ना सर, होगा नहीं तो नहीं होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इधर आया ना, आपको मिला ना, आप सुबह आपका टीम वहाँ पे आ गया, जो है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक बार सुबह आते हैं शाम को कोई नहीं आता, ये आपका विलेज रोड हो, सोनापुर हो, कोई भी एरिया हो, ये लोग इतने मारपीट पे उतर आए थे, इनको शांत करके बोला नहीं, पहले वार्ड ऑफिसर को जाएंगे, निवेदन देंगे, बताएंगे, वो कार्रवाई करेंगे। मेरा काम ये है कि इनको शांत करके आपके पास लाना, वो आपका आधा काम तो मैंने कर दिया, ये तो नहीं तो आज मोर्चा लेके आ रहे। अरे संतोष जी आप बताओ ना, ये कमरे से बाहर आप नहीं आओगे तो कैसे पता चलेगा? मैं आपको मिलने का मना कर रहा हूँ। अरे ठीक है ना, मगर ये राजा है क्या? कोई राजा है क्या? अरे आप ऑफिसर है, मिलो ना लोगों से, आपका काम है, आपका वार्ड है, सुनिए आपका वार्ड है, आपका वार्ड है, सुनिए जनता। अच्छा मुझे बताओ ना क्यों नहीं हो रहा सफाई? मैं देता हूँ ऐसा, वार्ड ऑफिसर आपका जिम्मेदारी नहीं है ना, प्रधानमंत्री का पॉलिसी से आपका लेना देना नहीं है। आपको कितने दिन में करवा के चाहिए बोलो, मैं पॉलिसी। अरे अभी तक क्यों नहीं किया, जवाब दो मुझे। ठीक है, उसपे पेनल्टी लगाता हूँ। किस पे लगाओगे? संस्था पे। अधिकारियों का क्या? अधिकारी पे लगाता हूँ। तो हो गया जिम्मेदारी, इतना दिन लोग 3 महीने से नाक पे पूरा लेके घूम रहे, इसका ऊपर क्या भरपाई करोगे? सर्विस देने के लिए आप बैठे हो सर। आपका कंप्लेन मैं सुनता हूँ और उस पे मैं इसलिए आक्रोश में हूँ, आपको बता रहा हूँ, मेरे को आपसे कोई मुद्दे आप मिक्स मत करो। आपकी जो कंप्लेन है वो आप कर्तव्य, अरे समझ में, आपको पूरा साफ करके देना मत, कर्तव्य। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वार्ड ऑफिसर है, संतोष डोंडे के अगेंस्ट मोर्चा लेके आए थे। बहुत बड़ा समस्या है, एक तरफ प्रधानमंत्री है जो स्वच्छ भारत अभियान बोलते हैं, कुछ झाड़ू लगाते हैं, और यहाँ पे मनपा है जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के हाथ है, और आप देख रहे भांडुप में इतना गंदगी है, मुझे लगता है कि पूरे मुंबई में सबसे गंदा अगर कोई जगह है, वार्ड है, तो भांडुप में है, और इसका पूरा जिम्मेदारी वार्ड ऑफिस का है। इसलिए हम लोग आज वार्ड ऑफिसर को मिलने आए थे। यहाँ पे एक सोनापुर एरिया में आइडियल स्कूल है, वहाँ पे इतना कचरा है, बच्चों को स्कूल जाने के वक्त हाथ नाक में रुमाल रख के जाना पड़ता है, और बहुत शर्म की बात है। इसलिए हम लोग वो सब कचरे का समस्या है, हॉकर्स का है, किधर आपका जो ड्रेनेज लाइन है वो ओपन है। तो मेरा यही कहना था कि आज वार्ड ऑफिसर को कि
जब तक कोई हादसा नहीं होता ये लोग जागते नहीं है, तो कोई हादसा ना हो इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे आके सभी हमारे पदाधिकारी है वहाँ के स्थानिक लोगों के साथ आए हैं और संतोष दोंडे जी ने आश्वासन दिया है कि आज का आज वो सब समस्या हमारा हल करेंगे और मैंने इनको अभी समय भी दिया है, अगर 10-15 दिन में जो कुछ कार्रवाई इनका हमारे अपेक्षित नहीं हुआ तो एक जोरदार मोर्चा वार्ड के अगेंस्ट हो गया। सर जब कुछ होता है तभी ये लोग जाते हैं या ये देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का सबसे महंगा और सबसे धनवान कॉरपोरेशन कोई है तो महानगर पालिका है और मुंबई के लोगों को इतना गंदगी में लोग रखते हैं, इसका पूरा जिम्मेदारी मनपा का है और जो शासन करने वाले अपने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग हैं। वो अगर वार्ड ऑफिस चाहेगी तो एक कचरा रोड पे नहीं मिलना चाहिए। आज ऐसा है कि लोगों के घर में सीवेज का लाइन का पानी आ रहा है, एक बहुत तकलीफ से लोग रहते हैं, बहुत गंदी में रहते हैं और इनका जो ये लोग टैक्स भरते हैं, लोग आज पूरा मुंबई टैक्स भरता है। हमारा अधिकार है कि हमें साफ़ सुथरा पानी मिले, नाला साफ रहे, कचरा ना रहे और ये मनपा इसका जिम्मेदारी है और इनको अपना काम करना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए मुंबई की अगर बात करूँ मीठी नदी, अभी आप मेरे साथ अभी चलिए आपको पता चलेगा पूरा कचरा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं हुआ है। हर साल रोड रिपेयर के नाम पे और कचरा और नाला सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मनपा में होते रहा है और चालू है। जब तक शिवसेना भाजपा का सरकार जो ये मनपा को कंट्रोल कर रही है जब तक इनको उखाड़ के बाहर नहीं फेंकते ये समस्या हल नहीं होगी। सर कितने लोगों की कंप्लेंट ये करीबन सोनापुर में आप देखिए करीबन मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार लोग रहते हैं और आज नमाज छोड़ के लोग इधर आए हैं, अपने काम काज छोड़ के आए क्योंकि गंदगी में नहीं रह सकते हैं और हद से ज़्यादा गंदगी है। तो मुझे यही कहना है कि हमारे जो प्रवीण परदेसी जो अभी बीएमसी के कमिश्नर बने हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये ऊपर से लेपापोती का काम बंद करके सीरियसली कुछ काम करना चाहिए। जो झाड़ू मारने वाले लोग आते हैं उन लोग बोलते हैं हम लोग पत्ता उठाने आए हैं और आधा से ज़्यादा कचरा उतरी छोड़ के चले जाते हैं और जो ड्रेनेज साफ करने वाले लोग आते हैं तो निकाल के जाएंगे, हम लोग पूछेंगे कि भाई कब उठा रहे हो तुम लोग, तो बोलेंगे अभी वो आएगा। दो दो महीने तक के हम लोग घर के सामने ड्रेनेज का पूरा कचरा पड़े रहता है, कोई नहीं उठाता। आज भी चल के देखेंगे कमाल बेकरी के जस्ट सामने पूरा ड्रेनेज का पूरा कचरा लेगा के बाहर छोड़े, कोई उठाने वाला नहीं है और ना कोई आता उठाने, ना हम लोग को कोई देखता है। हम लोग को वही गंदगी में रखते हैं, हम लोग आएंगे कंप्लेंट करने तो लापरवाही करते हैं, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं कि भाई हम लोग कुछ आके करते हैं, मजबूरन हम लोग को चल के आना पड़ रहा है। हम लोग को तकलीफ है तो हम लोग ही आएंगे ना, अभी क्या करेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को ना ड्रेनों का पाइप का है, टॉयलेट का पानी सब हमारे दरवाजे की तरफ से जाता, हम लोग बैठ नहीं सकते दो फिर और कचरे का दिक्कत है हमको, कचरा बराबर साफ सफाई होता नहीं हमारे यहाँ पे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके लिए हम लोग आए हैं, हमारे लिए कुछ आगे का बंदोबस्त अच्छे से करके दे, बस इतना ही बोलेंगे हम लोग बीएमसी को और इसके सामने और कुछ नहीं बोलेंगे। अगर अभी कम आए ले इसके बाद अगर नहीं हुआ तो इससे ज़्यादा लोग आएंगे और यहाँ ही बैठेंगे उपासना करके। आप लोग जाएंगे तो आइडियल स्कूल के पास देख लीजिए कितना कचरा है वहाँ पे, वहाँ का कचरा तो बहुत बास, मतलब बच्चे लोग बहुत परेशान है, उधर के रहने वाले भी बहुत परेशान है, वहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है मेरे ख्याल से। जब देखो कचरा, एनी टाइम आप जाओ आपको वहाँ कचरा मिलेगा ही, बड़ी परेशानी है वहाँ पे भी। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।